वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उनसा क्यानी और मेरे साथ मौजूद हैं शहरयार शेख। और नाज़रीन, आज यहां पे जिस चीज़ पे हम डिस्कशन करने के लिए लोगों के दरमियान मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या सुबह देखने में आया है जिसमें तकरीबन अब तक की अपडेट्स के मुताबिक 10 लोग शहीद हो चुके हैं और 30 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हैं। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जहाँ पर हर बंदे की यही कोशिश, हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कमा सके, इस तरह के एक मुसलमान मुल्क में वाक़या इस तरह का जो पेश आया है उस पर जाके हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे। जी शहरयार, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार, मेरा तो यही कहना है कि देखें कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारे मज़हब में कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की अगर जान बचाना तो पूरी इंसानियत की जान बचाना है। तो ये जो एक लाहौर में जो वाकया पेश आया दादा दरबार के बाहर आज सुबह में, तो मुझे नहीं लगता ये किसी मुसलमान की हरकत हो सकती है, क्योंकि इतने ये पाक महीने में, बाबरकत महीने में ऐसी हरकत कोई मुसलमान नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो जिसने ये हरकत की ना तो उसका कुछ दीन से लेना देना है, ना इस्लाम से लेना देना है, कुछ भी नहीं। तो आइए इस बारे में हम लोगों से जानते हैं कि जो लोग हैं उनके क्या तासुर आते हैं इस वाक़े को लेकर। आपका नाम? खुरम शहजाद। अच्छा खुरम, ये जो आज क्योंकि दूसरा रमज़ान है और आज के दिन ही सुबह सुबह के टाइम में एक जो लाहौर में वाक़या पेश है बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 लोग जो है शहीद हो चुके हैं, 30 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जो सुबह हुआ इसके हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो जो काम हुआ हमारे मुसलमान जो शहीद हुए ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, या इसको मैं क्या कहूँ कि ये बस ये कुफार का काम है। ये रमज़ान में तो हमारे तो आप यकीन करें कि गैर दूसरे ममालिक भी हमारा ख्याल रख रहे हैं और गैर मज़हब भी जो हमारे हैं ख्याल रख रहे हैं, और यह सबसे बड़े बेहतर ये देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ गैर मज़हब हिंदू ईसाई की अब बड़ा परवरिश की जाती है, ख्याल रखा जाता है, लेकिन गैर मज़हब जो है हमारे मुल्क जहाँ जैसे इंडिया में देख लें मुसलमान है पिसर है, यहाँ हमें दिखना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को मैं कहना चाहूँगा कि लिहाजा इस चीज़ पे अमल दरामद किया जाए और हमारी सिक्योरिटी से टाइट की जाए और सबका ख्याल रखा जाए। बहुत थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम? अमीर अफजल मलिक। अमीर साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसा कि आपने सुना होगा कि ये सुबह लाहौर में एक वाकया पेश आया, धमाका हुआ, जिसमें जो अब जो एक लेटेस्ट जो उसमें खबर आ रही है सुनने को वो ये है कि 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो इतने रहमतों वाले महीने में ऐसा वाकया पेश आया, खुदकुश हमला हुआ, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना ये है कि ये बरकतों वाला महीना है, ये जिन लोगों ने ये धमाका किया है उनका कोई तल्लक ना इस महीने से है, ना इस दीन से है, ना इस दुनिया से है, वो तो बेरहम ही आप कह सकते हैं उनको, वो छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं वो मध्य वे जो है ना कि नहीं। इस ये जो महीना है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है या हमारे दीन ने जो बताया है कि इसमें तो आप किसी की हेल्प करें ना कि तकलीफ़ पहुँचाएँ, तकलीफ़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा दीन मज़हब इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने रोकिया वो जन्मी लोग हैं, उनका ना दीन से कोई तल्लक है, ना दुनिया से कोई तल्लक है, ना इंसानियत से कोई तल्लक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह उनको हदायत ही दे, लेकिन ऐसों को अल्लाह हदायत देता नहीं है। सर, आपका नाम? महमूद अहमद। आप मुझे ये बताएं कि आज रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सुबह एक जो वाकया पेश आया दाता दरबार के बाहर जहां पे 10 लोग तकरीबन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं उसमें तक 10 लोग शहीद हो चुके हैं और 30 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, तो आपको क्या लगता है जिस बंदे ने ये किया है क्या वो इंसानियत की कैटेगरी में आता है? वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, वो एक किस्म का दरिंदा है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफर है, जज़ीद है। ये बहुत ज़ुल्म है, इस रमज़ान के महीने में लोगों की जाने लेना कोई अच्छी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला जिसने भी किया उसको वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक उसका जो है ना होना चाहिए। अब इंसान है क्या कह सकते हैं, रमज़ान का महीना है, अब तो इससे ज़्यादा और क्या कहें। हम तो रमज़ान के महीने में किसी को कुछ कहने से भी डरते हैं, तो एक इंसान जिसने ये तक इतना बड़ा स्टेप लिया, बहुत जुल्म किया उसने, बहुत जिसने भी किया बहुत जुल्म किया, वो कहने में मुसलमान नहीं है, वो काफर है। सर ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? मुबशर। मुबशर भाई, आपने सुना तो होगा जो आज सुबह लाहौर में जो वाकया पेश आया दाता दरबार के बाहर धमाका हुआ है और उसमें 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि यार ये रमज़ान तो बड़ा बरकतों और रहमतों वाला महीना है, कि कहते हैं कि जो ख़ासतौर पर जो मुसलमानों में ये चीज़ है कि कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कमेंट देना चाहेंगे कि मुझे तो नहीं लगता कि किसी ये मुसलमान की हरकत हो सकती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा कि आपने बोला है हमारे मज़हब में तो ऐसा कोई बंदा नहीं, और दूसरा के इस मज़हब में इस्लाम में तो इस चीज़ की कोई तो गुंजाइश ही नहीं है, तो ये जिसने भी किया है इंतहाई अफसोसनाक है, इसमें कोई मुसलमान तो मुलविस नहीं हो सकता। ठीक,
شکریہ جی بہت تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام نے جو اس واقعے کی مذمت کی اور عوام کی جانب سے ہمیں یہ بھی کمنٹ جو ہیں ملیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ جو ایسا واقعہ ہوا ہے یہ تو اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا وہ بالکل اس دائرے سے باہر ہے کیونکہ اتنے بابرکت مہینے میں اور رحمتوں والے مہینے میں کہ جس میں صرف رحمتیں ہی برستی ہیں اور ایسا کوئی کسی کو جانی اور مالی نقصان پہنچائے تو وہ کوئی مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا جی بالکل شہریہ علی جو آپ نے بات کی صرف اسلام کی نہیں باقی جو دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی کسی کو تکلیف پہنچانے سے شدید منع کیا گیا تو اس طرح کا واقعہ کہ جس میں اتنے لوگ شہید ہو جائیں اور اتنے زیادہ زخمی ہوں وہ بھی رمضان کے بابرکت مہینے میں تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پہ تمام عوام بہت ہی انہوں نے پرزور مذمت کی اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کو اور زیادہ بہتر بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہ آئیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ